पीरियोडिक टेबल चल रहा था। कहाँ तक कर लिया है बताओगे? ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड्स एंड नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ तक हो गया था क्या? मैंने कुछ बोला था कि प्रैक्टिस कर लेना, किया क्या? कोई डाउट है क्या? बोलो। 72। ओके, और किसी का कोई कंफ्यूजन? हेलो सर। सर रिपीट कीजिए ना। सर रिपीट करो। हाँ ठीक है, एक बार रिपीट भी कर लेते हैं उसे। ठीक है, आज ये पीरियोडिक टेबल आपके फिंगर्स पे जानी चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का आपके पास बुक्स होंगी, अवेलेबल होगी पीरियोडिक टेबल, वहां से सर्च करना। कंप्लीट 118 एलिमेंट्स के कहां पर मिलने वाला है पूरा आइडिया मिलेगा, और विद इन 15 सेकेंड ही खत्म होगा, ये भी पक्का है। चारों क्वेश्चन कौन कौन से? पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक एंड नेम। अब जैसे यहां नंबर बताया गया है 72, ध्यान रखना है कि 58 to 71। ठीक है, तो ये दो चीजें पहले ध्यान रखनी है, मैं यहां लिख देता हूं। एटॉमिक नंबर (58 to 71) ये लैंथेनॉइड होते हैं, और इनके लिए ग्रुप जो होता है वो थर्ड माना जाएगा इस रेंज का कोई भी एलिमेंट हो। अब चाहे वो 59 हो, 60 हो, 61 हो, 71 तक के कहाँ होंगे वो? ग्रुप थर्ड में। एक और सीरीज होती है और इसको क्या बोलते हैं आप, लैंथेनाइड। दूसरी वाली कौन सी होती है? एक्टिनाइड। एटॉमिक नंबर कितने से जाए रेंज? नाउ फ्रॉम ए रेंज ऑफ 90 to 103, दीज आर नोन एज एक्टिनाइड्स। लैंथेनॉइड्स मतलब आफ्टर लैंथेनम, एक्टिनॉइड्स मतलब आफ्टर एक्टिनियम, एंड इट इज ग्रुप नंबर थर्ड। थर्ड ग्रुप जो होता है वो लॉन्गेस्ट ग्रुप माना जाता है। ठीक है, थर्ड ग्रुप लॉन्गेस्ट ग्रुप है, और पहला तो थर्ड ग्रुप का कोड स्कैंडियम या टीरबियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम। कितने एलिमेंट हो गए? 4 प्लस लैंथेनॉइड वाले प्लस एक्टिनाइड वाले, टोटल कितने हो गए? 32। तो थर्ड ग्रुप कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, तो लॉन्गेस्ट हो गया, इतना तो किसी के अंदर है नहीं। अब बात आती है कि आपका क्वेश्चन है 72, तो पहले तो पीरियड का रेंज, पीरियड की अगर रेंज की बात करें 1 से 2, कौन सा पीरियड बनता है? फर्स्ट। ठीक है, 3 to 10 कौन सा बनता है? सेकेंड। 11 to 18 कौन सा बनता है? थर्ड। उसके बाद 19 to 36 कौन सा बनता है? फोर्थ पीरियड। ठीक है, साथ के साथ मैं रिवीजन भी करा रहा हूं और उसका डाटा भी निकालना है। अब 37 to 54 कौन सा बनता है? फिफ्थ पीरियड। 55 to 86 कौन सा बनता है? सिक्स पीरियड। एंड 87 to कितना, आप लास्ट तक आ जाओ, सेवंथ पीरियड। क्लियर है? अब ये लिखने का इतना कोई इंपोर्टेंस नहीं है, क्योंकि कल काफी लिखा है इसके बारे में। नहीं, वो चार्ट, मतलब मैंने आपको चार्ट में ही दिखा दिया था।
तो ये आपके कोड था 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, ये नंबर्स थे। अब आपका एटॉमिक नंबर कितना है? 72। तो बोलो पीरियड इमीडिएट क्या होगा? 6 पीरियड है क्या ये? पीरियड इज यस। अब अगर मैं इसके ग्रुप की बात करता 4, तो आपको क्या करना है? पहले कहां से शुरू हुआ? 55 से। इस 72 को कितने से सब्सट्रैक्ट कराएं? 54 से। कितना 18. मिलेगा आपको? 18 मिलेगा। ओके, ग्रुप 18 आ रहा है क्या इसका? नहीं ना, 72 माइनस 54, ग्रुप 18। ऐसे कैसे आ रहा है? कुछ तो भी गलत हो रहा है क्या? एटॉमिक नंबर 72 कहां से सब्ट्रैक्ट कराना था आपको? 54 से। अब इसका ग्रुप 18, लेकिन ग्रुप 18 नहीं है इसका। यहां आपको एक आइडिया रखना है, ये जो रेंज है, कौन सा? अभी एक रेंज लिखाई थी ना स्टार्टिंग में ही, क्या चल रहा है? कितना? 18 आ रहा है ना, ये 18 नहीं होगा। इसमें से आप 14 सब्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये लेंथेनाइड वाली सीरीज का एलिमेंट है, और उसकी रेंज क्या है? 58 to 71। ये किस में है? ग्रुप 3 में। तो 72 जो होगा ग्रुप 4 में होगा, तो इसका जो ग्रुप है वो 4 है। अब अगर मैं बात करता हूं ग्रुप 4 का कोड क्या था, मतलब इसका ब्लॉक क्या बोलोगे आप? डी, और नेम क्या बोल दोगे? टी जरा हाफ, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम, तो एलिमेंट होगा ये हाफनियम। ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आइए, आपको प्रैक्टिस के लिए बोला था कोई भी नंबर उठाओ और उसके बारे में चेक करो। ठीक है, तो कोई नंबर बोलते हैं आप, जो भी आपकी इच्छा है बोलो। 10 नंबर, 10। 10 का क्या करना है? ये तो आपका पीरियड कौन सा होगा बोलो? सेकंड, आपका जो भी नंबर हो 118 तक, हाँ हाँ, -14 करना, हाँ फोर्थ आएगा, थर्ड में उससे पहले आएगा ना। आपका पीरियड क्या है इसका? 10। ग्रुप कितना बनेगा इसका? इसका ग्रुप 18 है, क्योंकि 18 तक आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर 18 तक तो आपको ध्यान रखना है। तो कितना? 18। ब्लॉक की बात की जाए तो पी, और 10 तो नोबल गैस है, हीलियम के बाद नियर, हीलियम नियॉन। ठीक है, ये आएगा। आप कोई ऐसा नंबर बोलो, जैसे कि मान लीजिए मुझे बोल दिया है 114, इसका पीरियड कितना होगा? 7। इसका पीरियड 7, इसका ग्रुप कितना होगा? 14। 14। 14 कैसे डिसाइड किया? सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, 114 है तो 1 हटा दो, 14 हो गया ना। नहीं, ग्रुप क्या हो गया? जितना शॉर्टकट मिल जाए उतना अच्छा है अपने लिए, देखते ही बता रहे हो ना, 14 हो गया। अगर मैं पीरियड की बात करूं, वो ब्लॉक की बात करूं, 14 ग्रुप किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक। और अगर मान लीजिए मैं इसके नेम की बात करूं, ठीक है,
तो अब मैं इसके नेम भी बताऊंगा, फ्लेरोवियम। हाँ फ्लेरोवियम, बट एक टेक्निक होती है आईयूपीएसी रिकमेंडेशन है वो, ठीक है, नेम लिखने की, नेम ऑफ एलिमेंट ऑनवर्ड्स एटॉमिक नंबर 100, 100 के बाद में जो नेम लिखे जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो आप कोई नंबर बताओ मुझे, क्या 109 कुछ तो भी मतलब इधर उधर क्या है इसमें, बोलो किसमें, नियॉन का ग्रुप 8 आता है, ये 18 तक तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें डी ब्लॉक ऐड नहीं है, अगर डी ब्लॉक ऐड नहीं होगा तो 18 तक आप ना मैनेज करके रखो, आपको सबको पता है पीछे से करके आए हो आप, हाइड्रोजन आपका ग्रुप 1 का है, हीलियम ग्रुप 18 का है, उसके बाद हीलियम के जस्ट नीचे नियॉन है, तो ये भी ग्रुप 18 का हिस्सा होगा। इस टेक्निक से नहीं निकालना है 100 एंड वो 18 के आस, मतलब 18 तक, 18 के बाद अब आपको दिक्कत आने वाली है, 18 तक तो आप पीछे से ही करके आए हो, उसके बाद प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो उसके लिए टेक्निक चाहिए, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए आपका कोई भी नंबर जैसे आपकी इच्छा हो बोलो, जैसे वन मतलब मैं लिखता हूं यहाँ 77, अब इसका मुझे क्या निकालना है, पीरियड ग्रुप ब्लॉक एंड नेम, ठीक है। तो पीरियड तो आप बता ही दोगे कितना होगा, six. कितना सिक्स, ग्रुप कितना होगा नाइन, कैसे, इस आप देखिए, हाँ चलो अभी फिलहाल निकाल के बताओ, मैं दूसरा टेक्निक बताऊंगा फिर इसका, ग्रुप कितना 9 है क्या, ग्रुप 9 का कोड क्या है, ब्लॉक बताओ पहले, डी ब्लॉक, डी, और नेम अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, इसका कोड, इस ग्रुप का कोड बोलो, कौन रहेगा आयरलैंड, ये कितना होता है 27, ये कितना है 45 एंड ये 32, तो ये क्या बनाएगा 45 और ये 77, आगे x हो गया तो 32, 109 हो गया। आपका क्वेश्चन था ऑनलाइन की तरफ से कि 109 कहाँ होगा, मैंने 77 कर दिया, ठीक है, दोनों निकल के आ रहे हैं एक साथ, ठीक है। अब बात आती है कि 10 ये जो 77 है, अगर मान लीजिए इमीडिएट डिसीजन करना है, ठीक है, हालांकि मैं अभी और स्पीड इस पे आपको देने वाला हूं, जितना हो गया उससे ऊपर, 27 एंड 77 के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 है ना, 18 प्लस 50, कोई भी नंबर अगर आपका इस तरीके से लिखा है माइंड में, जैसे आपको लिख दिया यहां पर 75, तो आप इसको 25 वाले में सर्च कर, नहीं आए समझ में, अगर 75 प्लस 50 कर, वो 25 प्लस 50 कर दूं तो कितना 75, तो आप कहां सर्च कर लो इसे 25 वाले में, अब 25 एटॉमिक नंबर किसका है, ये साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी कौन जाने कोट था ना आपका, यहाँ देखो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी कौन पापा जिंक, अभी और भी बताता हूँ मैं, इसमें और भी मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, नॉट ए मैटर, इसका एटॉमिक नंबर 21, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये एलिमेंट जो होगा ये ग्रुप 3 का होगा,
क्यों ये ग्रुप थ्री का है? क्योंकि इसमें दो ग्रुप पहले ही छोड़ के जा चुके थे आप, ग्रुप वन एल्कलाइन मेटल एंड ग्रुप टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया? थ्री। अब ये ग्रुप होगा फोर, ये फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। अब आपके पास क्या आया निकल के जो क्वेश्चन चल रहा है? पीरियड तो आप डिसाइड कर ही चुके थे, कितना था? फोर। अरे इसका 75 का, 75 का आपने पीरियड क्या डिसाइड? इसकी बात करोगे तो पीरियड फोर है ये, और इसकी बात करोगे तो ये सिक्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ग्रुप क्या होगा। जो भी नंबर इधर दिखाई दे रहा है ना, प्लस टू कर दो। ग्रुप कितना हो गया? सेवन। आप लगा लेना ग्रुप सेवन आएगा। जो नंबर इधर दिया है वो ही प्लस टू कर दिया, अगर डी ब्लॉक का केस आ रहा है। सेवन हो गया, ग्रुप सेवन हो गया, पीरियड फोर्थ हो गया। ब्लॉक क्या हो गया? डी ब्लॉक। तो अगर ग्रुप आपका सेवन हो, ये मतलब अगर आप बोलो जरा, 75 है ना, बोलो पीरियड कितना बोल रहे हो? सिक्स। ग्रुप कितना बोला इसका? यही टू ऐड कर दिया ना, सेवन। ब्लॉक क्या हो गया इसका? डी ब्लॉक। अब जरा इसका सेवंथ ग्रुप का मुझे कोड बताओ। मन तक रे, मन तक रे, आगे होगा तो एक्स हो जाएगा करके। ये कितना होता है? 25। यहां तक आते आते 50 ऐड होगा तो 75। इसको अगर देखूंगा तो ये 43 होगा, और ये कितना हो जाएगा आगे आकर? और 32 ऐड करो, 107। यही होगा हो तो। क्या मैंने यहां पे क्या बोला आपको? यहां टू ऐड कर दो तो इसका ग्रुप मिल जाएगा? नहीं, यहां अगर टू ऐड किया तो ग्रुप कितना हो गया? सेवन। और यहां ग्रुप की बात करें तो इस नंबर को 100 के ऊपर जो भी है डायरेक्ट ले लिखो सेवन। हो रहा है या नहीं आप चेक करो। यहां पर तो आपने टू ऐड किया तो सेवन, वो यहां तो नॉर्मली सेवन आया इसका, और यहां टू ऐड करा तो ये भी सेवन हो गया। अब यहां पर अगर देखता हूं ये तो मैग्नीज है तो यहां टू ऐड कर दो, और इसके लिए लगे तो आप 36 में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं समझ में आया? नहीं, इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। मैं आपकी तरफ से कुछ नंबर ले रहा हूं, ठीक है? आप मेरे को कोई भी नंबर बताओ 100 मतलब 18 के ऊपर जो भी है आपको याद, बोलो पहला नंबर कितना? 96। दूसरा 88। तीसरा बोलो 73। नेक्स्ट 95। कितना? 62। नेक्स्ट 99। और 93। 100 के ऊपर भी कोई जाएगा क्या? 107। यस। और 103। 105। हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को लिखे या और लिख ले कुछ? बोलो 40 की रेंज में, 50 की रेंज में, सभी में बोलो 45 और 43 49 57। चलो एक 35, यहाँ पर 28। इतने नंबर्स पे हम करते हैं, ठीक है? आपको टारगेट क्या है? किसी का भी कंफ्यूजन हो इमीडिएट कवर अप कर लेगा, क्योंकि यहां इतना करने के बाद सब खत्म होने वाला। पहला काम होगा आप इसका पीरियड निकालोगे, दूसरा काम होगा इसका ग्रुप निकालोगे, तीसरा काम होगा इसका ब्लॉक निकालोगे, और चौथा काम इसका
नेम। ठीक है, तो 96 इट इज आफ्टर 87, पीरियड इज 7। ग्रुप की अगर बात करें तो 92103 एक रेंज बताया है, 92103 एंड 58 to 71 ये जो ग्रुप बोले जाएंगे थर्ड ग्रुप। तो ग्रुप क्या हो गया थर्ड। ब्लॉक की बात करें तो एफ, अगर एफ ब्लॉक का है तो अभी नेमिंग में नहीं करा रहा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो 88, तो इसका पीरियड कितना 7। 87 जो है वो फर्स्ट ग्रुप का होगा, मैं यहां से बता देता हूं। नहीं, 87 से ही शुरू होता है ना, तो 88 कौन सा ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया। 88 अगर फर्स्ट ग्रुप, वो 87 अगर फर्स्ट ग्रुप है तो 88 सेकंड ग्रुप। ग्रुप कितना हो गया सेकंड। ब्लॉक क्या हो गया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। अब अगर इसके नेम की बात करेंगे तो कोड क्या है, बेटा मांगे कार बाप राजी, तो क्या होगा रेडियम। रेडियम बेरियम। बेरियम ही होगा, रेडियम होगा सर। रेडियम सर ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसका एटॉमिक नंबर 4। जरा कोड याद दिलाओ, 8 8 18 18 32 32, यही था ना। जरा yes. बताओ कितना हो रहा है टोटल, 4 + 8 12 + 8 20 + 18 38 + 50 56। सीधा 58 कर दो, 56 वो बोल रहे हो, मैं टोटल 58 कर दूं तो 88 हो जाएगा ना, डायरेक्ट भी ऐड कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट हो गया, ये रेडियम। रेडियम। नेक्स्ट आप हाँ बोलो सर, ग्रुप कैसे डिसाइड करना है एक बार फिर से बताइए ना। ग्रुप कैसे डिटेक्ट करना है, ओके पहले ग्रुप का डिटेक्शन का एक बार और बताता हूँ। देखिए ग्रुप निकालने का तरीका है, ठीक है, जब प्रैक्टिस होगी तो और बढ़ते जाओगे। एटॉमिक नंबर जो भी गिवन है वो लिखो, ठीक है, माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट उसी ग्रुप का, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड इट इज माइनस 1, उसी पीरियड का एटॉमिक नंबर लेना है फर्स्ट एलिमेंट। अब जैसे मेरे पास आपका दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर इस ग्रुप की बात आ जाए तो 58 to 71 ये ग्रुप 3 होगा, और यही रेंज 92103 के लिए भी होगी जो कि ग्रुप 3 होगा। ठीक है, ये चीज तो आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना है, क्योंकि 58 to 71 आपका लेंथेनाइड है एंड 92103 एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, ये रेंज तो आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद अब ग्रुप डिसाइड करने जा रहे हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ग्रुप जो है वो अगर ग्रेटर देन 18 आ जाए, ग्रुप अगर ग्रेटर देन 18 आता है इसका मतलब इसमें लेंथेनाइड सीरीज ऐड है, और अगर लेंथेनाइड सीरीज ऐड है या फिर एक्टिनाइड सीरीज ऐड है तो ये कितने एलिमेंट होते हैं 14 और सब्सट्रैक्शन कर दोगे। क्लियर है, आपका ग्रुप निकाल के आएगा। अब किसका ग्रुप निकालने वाले हो, 88 का। 88 का जब ग्रुप निकालोगे तो इससे जो पीरियड है जहां से ये शुरू हुआ है वो कौन सा था, 7, 87 के बाद। अब
आपको क्या निकालना है इसका ग्रुप, ठीक है। ग्रुप निकालना है तो क्या करो, जहां से पीरियड शुरू होता है उसके एटॉमिक नंबर में एक का सब्सट्रैक्शन कराते हैं, तो 87 में एक कम कर दिया तो कितना आ गया 86 सब्सट्रैक्ट कर दो 2 आ जाएगा। क्लियर है, नहीं हुआ बाकी कर रहे हैं और इसको पूरा प्रैक्टिस कर लो। एक बार कंप्लीट प्रैक्टिस हो गई तो मेरे ख्याल से खत्म होगा, ठीक है। करें क्या, पहले ये काम कर लेते हैं, फिर भी अगर डाउट बनेंगे तो मुझे बताना, क्योंकि क्या है ना, बोला तो बहुत है मैंने, बस ये कि उसका एप्लीकेशन रह गया है, अगर एप्लीकेशन और हो गया तो आपके काम खत्म होगा। नेक्स्ट बोलो जरा क्या था, 73। जब भी अगर मान लीजिए 70 की रेंज का है 73, तो इसका पहले तो पीरियड बताओ, 6 पीरियड है। अब अगर ग्रुप डिसाइड करना है तो 2 तरीके हैं, ठीक है। उससे अच्छा तरीका भी यही है, डायरेक्ट यहीं पर 50 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 23। 23 वाले का ग्रुप ढूंढ लो, फिफ्थ या यहीं पर 2 ऐड कर दो। क्लियर है, 2 तरीके हैं। आप 73 को 50 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचता है 23, और 23 में आप ग्रुप निकालोगे तो कितना आएगा, फिफ्थ ग्रुप आएगा ना, फिफ्थ। या फिर दूसरा तरीका, यहां यहीं 2 ऐड करो 70 की रेंज वाले में, तो ये अगर 3 है नंबर तो ग्रुप कितना, फिफ्थ ग्रुप हो गया ना। अब बात आती है ब्लॉक की, अगर ग्रुप फिफ्थ है तो ब्लॉक क्या हो गया, डी ब्लॉक। अब फिफ्थ ग्रुप का कोड क्या था, वो नवाब था, तो एलिमेंट क्या हो गया, टेंटला। बोलिए इसका आप बताओ, अब 62 पीरियड क्या लिखो, सभी बोलो पीरियड सिक्स ग्रुप थर्ड 58 to 71 की रेंज थर्ड है, एंड 58 to 71 का जो ब्लॉक होगा एफ ब्लॉक होगा। नेक्स्ट बोलो 99 सेवंथ पीरियड आफ्टर 87 है ब्लॉक, ये ग्रुप बोलो 3, ये भी 90 to 103, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, तो ग्रुप 3 ब्लॉक एफ। ये बस एक्टिनाइट सीरीज में आया था, और ये आपका उल्टा हो गया, ऊपर वाला आपका लेंथेनाइट सीरीज में आया था और ये एक्टिनाइट सीरीज में आया। 93 7 ग्रुप थर्ड ब्लॉक एफ, समझ में आ रहा है नहीं, किस तरीके से डिसाइड कर रहे हो। नेक्स्ट 107 पीरियड 7 ग्रुप 7th 100 के बाद तो डायरेक्ट रख दो 7 ग्रुप भी क्या हो गया 7 डी ब्लॉक। अब अगर मान लीजिए इसके नेम की बात आए तो मैं ये खत्म कर लूं, उसके बाद नेम बताता हूं, इसका यूपीएससी नेम रिकमेंडेशन, ठीक। नेक्स्ट बोलो 103 पीरियड 7 ग्रुप 3 क्योंकि 103 तक के थर्ड ग्रुप में ही है, ब्लॉक डी एफ होगा, ब्लॉक एफ होगा 103 तक, 90 to 103 एफ ब्लॉक। नेक्स्ट 105 तो पीरियड 7 ग्रुप 5 यस बिल्कुल ठीक है, ब्लॉक डी। नेम तो मैं बाद में बताने वाला हूं, मैंने पहले बोला है। 45 पीरियड फिफ्थ यस बिल्कुल करेक्ट है, फिफ्थ ग्रुप 9 बिल्कुल ठीक है, 36 में से हटा दो
क्यों 37 से तो स्टार्ट था ये पीरियड, तो क्या आया 9। ब्लॉक क्या आ गया? टी। टी इसका नेम बता सकते हो क्योंकि ये तो 100 के नीचे वाला है। बोलो क्या नाम होना चाहिए? सोडियम। नाइन्थ ग्रुप कौन सा है? कौन रहेगा? तो ये कौन सा होना चाहिए? रहेगा आर एच। रोहोडियम, रोहोडियम करके इसका नेम। 43। बोलो पीरियड। फिफ्थ। ग्रुप सेवेंथ। सेवन। ब्लॉक डी। सेवंथ कौन सा कोड? मंतक रे। ये क्या हो गया? टीसी। नेक्स्ट 49। पीरियड 5। ग्रुप 13। ग्रुप कितना आएगा? 13। 46 में से सबसेट किया 13। ब्लॉक डी ब्लॉक हो जाएगा। 12 तक ही डी था, डी ब्लॉक। एंड नेम? आयन। बैंगन आलू गाजर इन थैला, यही कोड था। तो कौन सा ये? आयन। इंडियम आयन। नेक्स्ट बोलो 57। बोलो पीरियड 6। ग्रुप 3। यहीं से शुरू हुआ था, यहीं से शुरू होता है। तो ग्रुप कौन सा? वो फर्स्ट टू ग्रुप हो गया वो 15। बिल्कुल करेक्ट। ओके ओके सॉरी 55 से शुरू होता है। तो ग्रुप कौन सा? थर्ड। ब्लॉक एफ डी। 55 से स्टार्ट लेगा ना वो 57 से। 57 टू 81, 58 टू 71। तो ये तो डी में आ जाएगा। नाम बोलो। लैंथेनाइड। लैंथेना। ठीक है नेक्स्ट। पीरियड ये तो बोलते भी नहीं। फोर पीरियड। पीरियड 4। ग्रुप 17। 36 से 16। मतलब 36 जो है वो 18 ग्रुप का हिस्सा होगा क्योंकि 37 से नेक्स्ट शुरू होता है। तो 36 18 का हिस्सा होगा। तो 35 17 सर। 17 या डायरेक्टली क्या करो 18 से सब्सट्रैक्शन कर दो तो कितना आया 17। क्या हो गया? पी ब्लॉक। नेम ऑफ एलिमेंट? बीआर। बीआर ब्रोमीन। नेक्स्ट बोलो 28। फोर्थ पीरियड। ब्लॉक ग्रुप 10। ग्रुप पहले ग्रुप क्या होगा इसका? 10। ब्लॉक डी। नेम ऑफ एलिमेंट? निकेल। क्लियर है? कितना टाइम लग रहा है? आप पीएचडी कर रहे हो उसके पीरियडिक टेबल पे टाइम ही कितना लग रहा है? आप ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हो क्योंकि हम तो टाइम में भी ऐसे ही कर लेते थे। नहीं कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। चलो जाने दो, आप नेक्स्ट टारगेट करते हैं। नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर। नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। हेलो सर। यस सर। 57 का ब्लॉक क्या होगा? 57 आपका डी ब्लॉक में रहेगा। नहीं सर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक रहेगा ना सर, लैंथेनाइड सीरीज में ना। लैंथेनाइड कहाँ रखोगे आप? एफ ब्लॉक में। आप ये देखो लैंथेनाइड मतलब आफ्टर लैंथेनम, एक्टिनाइड मतलब आफ्टर एक्टिनियम। तो लैंथेनाइड सीरीज जो है वो एफ ब्लॉक है। ठीक है तो आप ये सोचो कि जो लैंथेनाइड होगा वो कहाँ जाएगा? एक मिनट। स्कूटी यामाहा
ला एक, ये किस में आते हैं? डी में आते हैं ना, तो आफ्टर लेंथ एंड हाइट ये 57, तो आफ्टर लेंथ एंड हाइट 58 to 71 लिखा है ना मैंने, हाँ यस सर। तो कहाँ लेंथ एंड हाइट कहाँ रखोगे? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिख रहा है? नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100 एंड इट इज IUPAC रिकमेंडेशन। इसके बाद आप किसी का भी नेम कर सकते हो। सर एक बार स्लाइड नीचे करिए ना, क्या करना है बोलो बोलो। हो गया सर? हो गया, चलो सर थोड़ी और नीचे करो। बोलो फिर, हाँ और नीचे करूं क्या? अभी ये है तो आप अपनी तरफ से भी निकाल सकते हो ना, आपके पास नंबर है। क्या होंगे 93107? नहीं नहीं, इनके नहीं है, केवल IUPAC रिकमेंडेशन जो किया गया है एलिमेंट्स का, वो एटॉमिक नंबर 100 के बाद का है। 100 के बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर हो जाए तो उसके नेम के लिए लिया जाएगा। वैसे हालांकि आप उस लॉजिक को लगा के कर सकते हो, नॉट ए मैटर, ठीक है, लेकिन मैं पहले आफ्टर 100 कर रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अगर 93 है तो उसका क्या लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू IUPAC। बट IUPAC ने सजेस्ट किया है कि वो नेम जो लेने हैं वो आफ्टर 100 लेने। रीजन क्या है? एक तो बहुत सारे एलिमेंट इकट्ठे हो गए, ठीक है, अब उन सभी के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है कि आपको उनका क्या करना है, आप चाहो तो लिख सकते हो, जब मैं लिख दूंगा पूरा उसके बाद लिख सकते हो, बट IUPAC का सजेशन आफ्टर 100 लेने का, ठीक है। Okay, उसमें उन्होंने बताया अगर कहीं जीरो दिखाई देगा, अगर जीरो दिखाई देगा तो इसके लिए निल वर्ड यूज करते हैं वो, अगर ये वन दिखाई देगा तो इसके लिए अन वर्ड यूज करते हैं, अगर टू दिखाई देगा तो इसके लिए बाई वर्ड यूज होता है, अब अगर थ्री दिखाई देगा तो इसके लिए ट्राई वर्ड यूज होता है, अगर ये फोर दिखाई देगा तो इसके लिए ये यहां पर क्वाड वर्ड यूज करते क्वाड करके, अगर फाइव दिखाई देगा तो पेंट यूज होगा, सिक्स दिखाई देगा तो हेक्स यूज होता है, सेवन दिखाई देगा तो ऑर्गेनिक में तो सेवन के लिए हैप्ट लिखा जाता है, बट अगर हैप्ट लिखूंगा तो यहां करेक्ट नहीं होगा, यहां इसीलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया इन्होंने और हैप्ट की जगह इन्होंने सेप्ट वर्ड यूज किया है। उसके बाद अगर मान लीजिए एट होगा तो उसके लिए ऑक्ट वर्ड यूज, और नाइन होगा तो इसके लिए इनियम इन भी यूज किया, ठीक है। ये आपका IUPAC रिकमेंडेशन है, ये नंबर आपका मेन है, जीरो के लिए निल, वन के लिए अन, टू के लिए बाई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए क्वाड, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हैक्स, सेवन के लिए सेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, नाइन के लिए इन, ठीक है। जब नेमिंग कराओगे कोई भी, अब नंबर रखो जैसे 101, यहीं से शुरू करते हैं, वन के लिए क्या लगाना है? अन, अन। जीरो के लिए क्या लगा देना है? निल। फिर वन के लिए क्या लगाना है? अन, और फिनिश करेंगे IUM के साथ, ठीक है, IU, तो क्या नाम हो गया? अनिल यूनियम,
ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा अननिल यूनियम। अगर कहीं ऑलरेडी आई आ चुका है तो दो दो आई लगाने की जरूरत नहीं है। तो 102 का अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, अन नील बायम। ठीक है, अगर 103 हो जाएगा तो क्या लिखोगे, अन नील रायम। 104 हो गया तो अन नील क्वाडियम। 105 हो गया तो अन नील पेंटियम। सेपरेशन नहीं करना होता है, सीधा लिख देते हैं। ठीक है, 106 हो गया तो अन नील हेक्सियम। 107 हो गया तो अनिल सेप्टियम। नील सेप्टियम। 108 हो गया तो अनिल ऑक्टियम। नील ऑक्टियम। 109 हो गया तो अनिल इनियम। एक ही हटा दिया जाता है इसका, ई डबल एन इन करके तो ई एन ही लिखते हैं। 110 हो गया तब बताओ अन अन निलियम। समझ में आया, देखो अन अन निलियम। अगर एब्रिवेशन इनका जो शॉर्ट नेम होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे होगा, सभी का पहला पहला लेटर लिखा जाता है। अन के लिए क्या यूज कर लोगे, यू, पहला लेटर बड़ा बाकी छोटे। नील के लिए क्या यूज करोगे, एन, और फिर यूनियम है तो क्या यूज करोगे, यू, यू एन यू, अन नील यूनियम। दूसरे को बोलो इसी तरीके से, यू एन बी। तीसरा बोलो इसी तरीके से, यू एन टी। नेक्स्ट यू एन यू। नेक्स्ट बोलो यू एन टी। नेक्स्ट बोलो यू एन एच। नेक्स्ट बोलो यू एन एस। नेक्स्ट U-N-O. Next बोलो U N E. Next बोलो U U N. ठीक है, इस तरीके से IUPAC recommendation किया गया है। Those elements which has atomic number more than 100, उनका जो लिखने का तरीका है वो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आप और भी बढ़ा सकते हो, क्या बोलते हो सर? अगर मान लीजिए 111 हो जाए तो आप क्या बोलोगे, अन यूनियम। अन यूनियम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यू यू 112 के लिए अन अन बायम। अन अन बायम सर। यस, वो 110 यू एन यू होगा ना, 110 मैंने क्या लिख दिया, यू यू एन, सही तो है। वन के लिए अन लगाओगे, फिर वन के लिए अन लगाओगे, फिर जीरो के लिए नील लगाओगे और लास्ट IUM से फिनिश कर दोगे, तो क्या नाम आएगा, अन अन यूनियम। मतलब इसके लिए यू आ गया, फिर ये यू आ गया और उसके बाद एन, तो यू यू एन बनेगा। क्लियर है, जरा इसको स्लाइड थोड़ी नीचे करो ना, यू 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 वी वी बोलो।
द एलिमेंट्स विच हैज एटॉमिक नंबर मोर देन 100, उनके लिए किसी का भी नाम लिख सकते हो। अब तो अगर एटॉमिक नंबर 900 भी है उसका भी नाम लिखा जा सकता है। एटॉमिक नंबर 989 लिख दिया, ठीक है, एटॉमिक नंबर 989, तो क्या इसका नाम होगा? इन ऑक्टिनियम, इन ऑक्टिनियम, और शॉर्ट क्या होगा? ई ओ ई। सर 118 का क्या होगा? लगा लो ना, बताओ आप क्या बनना चाहिए, बताओ मुझे। वन के लिए क्या अनऑक्टियम। यस बिल्कुल करेक्ट, 118 वो अनऑक्टियम। 118 होगा तो अनऑक्टियम बनेगा। 117 होगा तो अनसेप्टियम होगा। अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ मैंने 223 लिखा है, तब आप क्या बोलोगे? बाई बाई ट्रायम। आप क्लियर है? आईयूपीएसी ने इतना अच्छा जुगाड़ बता दिया है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एटॉमिक नंबर का फ्यूचर में सर्च करके लाइए, उसका नेम बना ही लेंगे। हालांकि किसी ने पूछा था कि 93 का एटॉमिक नंबर जो है 93 है उसका नाम क्या होगा, तो इस लॉजिक को लगा के आप नेमिंग तो कर सकते हो। क्या बोलोगे? इन ट्रायम। लेकिन इन ट्रायम की अगर बात की जाए तो ये एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर के लिए अप्लाई करके दिया है, बट चाहो तो आप यहां से लगा सकते हो, नहीं इन ट्रायम करके इसका नेम हो जाएगा। मैंने तो 989 का भी दिखा दिया है कि क्या होगा एटॉमिक नंबर 989 अगर लिख दिया जाए तो उसका नाम क्या होना चाहिए, इनॉक्टिनियम। इस तरीके से आप कोई भी नेमिंग कर सकते हो। तो क्या 118 तक लिख लें? 113, 114, 115, 116, 117, 118, कम से कम 118 तक तो हमारे डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं, इसलिए इनको लिख लेते हैं। तो बताइए जरा पहले वाले का। अनट्राइलियम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू टी। नेक्स्ट बोलो अन क्वाडियम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू क्यू। इसका बोलो 115 का अन पेंटियम यू पी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू पी। नेक्स्ट बोलो एक्सियम। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू एच। नेक्स्ट बोलो अनसेप्टियम। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू एस। नेक्स्ट बोलो अनऑक्टियम। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू ओ। बाकी तो आप कोई भी अगर इस तरीके से आईयूपीएसी ने जब बता ही दिया है, ये टेक्निक आपको प्रोवाइड की है, तो आप अप टू द 1000 तो कैसे भी कर लोगे, उसके बाद भी आ गया तो भी कर दोगे, नहीं। हालांकि एलिमेंट तो 118 आज तक डिस्कवर हुए, ठीक है, तो और बाकी वो 118 भी बड़ी मुश्किल से निकाल के लाए हैं आज तक। अगर आपको रियलिटी पता हो तो पढ़ाई जो ये साइंटिस्ट हैं, जो पहले साइंटिस्ट थे, वो कुछ चीजें दिया करते थे और उनका यूज हुआ करता था। आज जो साइंटिस्ट हैं केवल वो चीजें देते हैं जिससे कि स्टूडेंट परेशान हो सके, बस और कुछ नहीं। ये बिना होता है नहीं ऐसा। भाई एक बात बताइए, अब जो चीजें नेचर ने नहीं उनको ले दे के बड़ी मुश्किल से बनाया गया है। अब जैसे 90 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो आसानी से मिले नहीं है, बहुत कम एलिमेंट
सकते हैं जो मिले हैं, डिस्कवरी उनकी बड़ी मुश्किल से हुई है, लेकिन बाकी सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब लैब में बनाए, और लैब में बनाए बड़ी मुश्किल से 1 ग्राम 2 ग्राम बनाना भी मुश्किल हो जाता है। अब वो बनाया, प्रॉपर्टीज स्टडी की, और फिर उनको देखा, और वो रेडियो एक्टिव थे, यहाँ लाके रख दिया तो बड़ी स्पीड से गायब। तो भाई बनाया ही क्यों था, सिर्फ आपको दुखी करने के लिए दुनिया भर के खर्चे कर दिए, नहीं लैब में जाके। तो यही है, स्टूडेंट्स को दुखी करना साइंटिस्ट का काम है, ठीक है, और टीचर तो फालतू में बदनाम है। नहीं, टीचर्स का क्या भाई, जो बुक में लिख दिया वो बेचारे पढ़ा जाते हैं, लेकिन वो जो लिखने वाले हैं, जो ये लॉजिक्स देते हैं, वो तो साइंटिस्ट हैं। हमारा क्या रोल है उसमें भाई, हमें जो दिया हम बता रहे हैं। अब देने वाला दुखी करने वाला होना चाहिए, लेकिन दुखी कौन करता है आपके हिसाब से, टीचर यही बोलते हैं ना। तो यही है, हमेशा ऐसी कहानियां चलती हैं। अब आपके पास में 118 तक के एटॉमिक नंबर नीम के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये एफ ब्लॉक का मैं चर्चा नहीं कर रहा, अभी तक हमने जो किया उसके अंदर अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन नहीं किया, नहीं कि भाई पीरियोडिक टेबल कैसे बनाए, लेकिन हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को हाथ में ले आए, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि 15 सेकंड के अंदर ये चारों क्वेश्चन बाहर निकल के आएंगे, अब आप आराम से निकाल सकते हो या नहीं। मान लीजिए कोई भी नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया है सपोज 80, इसका पीरियड 6, ग्रुप 12 80 है, यस बिल्कुल करेक्ट है ये तो। बाकी नेम वो पीरियड ग्रुप ब्लॉक डी, और अगर नेम की बात कर दें तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी यस एच डी। ये तो तब है जब मैं आपको लिखवा भी रहा हूं, अदरवाइज ये 15 सेकंड का भी काम नहीं है। लेकिन अगर आप कर लो एलिमेंट को उसके बिल से बाहर निकालने का काम उसके डाटा के साथ, 15 सेकंड का है, नहीं उससे ज्यादा है। और आपको जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो एक ही क्वेश्चन आता है, जैसे नीट में पिछले 2 साल हो गए, क्वेश्चन आया था व्हाट इज ग्रुप ऑफ 114 एलिमेंट एटॉमिक नंबर, क्या आंसर होगा, 14। यही क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है, चाहो तो उठा के देख लेना, 2 साल ही हुए हैं। इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में रख के दिया गया था। अब अगर किसी ने इस पीरियोडिक टेबल का एनालिसिस पूरा नहीं किया है तो वो निकालता ही रहेगा, लेकिन अगर आपने एनालिसिस करके रखा है, मैंने नंबर लिखा, आपने ग्रुप बता दिया, पीरियड भी पूछा जाता तो क्या हो जाता, इसका ग्रुप तो इसका आपने 14 बोल दिया, पीरियड क्या होता, 7 होता, क्योंकि 87 के बाद है। और अगर मान लीजिए मैं ब्लॉक पूछ लेता तो पी ब्लॉक हो जाता, और पी ब्लॉक में अगर नेम पूछा जाता तो कहीं शिवजी सुनो पार्वती और उसके बाद एक्स, ठीक है। और अब 114 के बात की जा रही है नेम की, तो ये होना चाहिए अन अन क्वाडियम यू यू क्यू, खत्म हुआ ये। अब बात करते हैं हम पीरियोडिक टेबल की, जो हमने ये सब इतना किया है आज तक, अभी 2 दिन 3 दिन हो गए, बट पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि उस काम को ही क्यों छोड़ा जाए, नहीं तो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ यू हैव टू मेंटेन द पीरियोडिक टेबल। तो कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो काफी बड़ा होता है, आप पहले ये काम कराओ, ठीक है। उसके बाद एक लंबी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब कितने ग्रुप में पहले ही बना चुका हूं, 2। आप 10D के बनाओ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये डी के हो चुके हैं। अब क्या करो, यहीं से आगे
आपका पी शुरू होने वाला है। पी के कितने होते हैं? सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर है। अब बाकी काम क्या करना है, इसको यहां से ब्लॉक करो, इसको दो जगह डिवाइड करो। आपको पता है कि ये ग्रुप थोड़ा सा बड़ा होता है ड्यू टू हीलियम, तो एक डब्बा एक्स्ट्रा बना के चलो, यहां को भी बीच में से डिवाइड कर दो, क्लियर है। क्या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरा तीन पीरियड तक की कहानी खत्म हो चुकी है? बोलो। यस। आपको कितने बनानी टोटल? सेवन। तो चार लॉन्ग लाइन इस तरीके से खींच दो, एक दो तीन और ये फोर। क्या बोल? हिसाब ही लगाते रहते हैं, बनाए कैसे इतने डब्बे, सिंपल तरीका है। अब अगर भरने की बात आ जाए इसको, तो फर्स्ट ग्रुप का कोड क्या था? हरीना के रब से फरियाद, रब से फरियाद। दूसरे का कोड क्या था? बेटा क्या मांगे कार स्कूटर बाप राज, कार स्कूटर बाप राज। नेक्स्ट कोड क्या था? स्कूटी यामाहा ला। नेक्स्ट क्या था? टी टी जरा हा। नेक्स्ट क्या था? वो नवाब था, नवाब था। नेक्स्ट क्या था? क्रोमाटन, क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन। नेक्स्ट क्या था? मंतक रे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फेरस। नेक्स्ट क्या है? कौन रहेगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्या है? नहीं पढ़ोगे पिटोगे। नेक्स्ट क्या है? कौन आगे आया। नेक्स्ट क्या है? जिनी कनाडा होगा। नेक्स्ट क्या है? बैंगन आलू गाजर केला। नेक्स्ट क्या है? कहीं शिव जी सुनो पार्वती। नेक्स्ट क्या है? नाना पाटेकर असरानी सब बिंदास। नेक्स्ट क्या है? कोल्ड स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट, फिर कलाम भी इधर अटके। हीनिया हीलियम नियोन आर्गन का क्रिप्टॉन जोर एजीनॉन रेडॉन। अब अगर इससे ऊपर जो ये डब्बे खाली दिखाई दे रहे हैं, अगर ये भी फिल करने हैं तो आप इसको उठा लो, टी जरा हाफ, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम, इसको एक्स लिख दो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? 22 होता है क्या? 22, यस। बोलो ये कितना? 18, 32, 32 एंड मतलब कितना? 82 और ऐड कर दो इसमें, 104 बनेगा। देखो टोटल 104 जा रहा है या नहीं? यस। 104 अगर इसका होगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो क्या होगा? यू एन क्यू। भर गया ना कंप्लीट? अब ये 105 होगा तो यू एन पी, ये यू एन एच, ये यू एन एस, ये यू एन ओ, ये यू एन ई, ये यू यू एन एल, यू 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 हो गया बैलेंस्ड। इतना काम लग, इतना टाइम लगता है, हद करके 2 मिनट में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 3 मिनट, मतलब 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर आप पूरी पीरियोडिक टेबल को इमीडिएट भर सकते हैं। अभी तक मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में सिर्फ बताया था, अब आप भर नहीं सकते, बल्कि
इसमें कोई भी एलिमेंट है तो उसका डाटा भी खींच के ला सकते हो, इस लेवल पे आप बैठे हुए। नहीं भाई, सीधा सा है, अगर मान लीजिए आप किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर दिया, मैंने प्लैटिनम को कर दिया, ठीक है, अब तो सामने रखा है, मैंने तो तब निकलवाया जब सामने भी नहीं थी, हा? तो पीरियड क्या बना इसका? सिक्स। पीरियड सिक्स होगा ना, प्लैटिनम कहाँ है? यहाँ पर है। अब तो आप देख के भी बता सकते हो ना, ये पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये यहाँ रखा है, तो पीरियड क्या हो गया? सिक्स। अब अगर इसका मैं एटॉमिक नंबर देखूं तो निकेल वाली कैटेगरी में है, निकेल का 28 होता है, इसमें 50 ऐड करो, 78। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 78। तो ग्रुप क्या बनना चाहिए? 28 वाले का ग्रुप 8 एंड मतलब क्या ग्रुप बन जाएगा? 8 + 2 10 ग्रुप बन गया 10। ब्लॉक डी, मैंने बोला था लेक्चर जब छोड़ूंगा तो ये कंडीशन ऐसी होगी कि पीरियोडिक टेबल आपके फिंगर्स पे होगी, ठीक है, अब बाकी आपके हाथ में है, आप कितना एफर्ट लेने वाले हो। बाकी अगर किसी का कोई भी डाउट बनता है फिर भी हम कल डिस्कशन करेंगे। चलो तब तक के लिए आपका, बाद में रेस्ट लेते हैं, तब कल देखते हैं, अगर कुछ किसी का कैसा भी कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो, यही पीरियोडिक टेबल जो आपको एक साल दुखी की 2 मिनट में बनती है, ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पेपर का सिलेबस कल बताया था ना, केवल नेम, ब्लॉक, पीरियड, एलिमेंट का, बस यही सब, इसी पे पेपर भी मेंटेन करेंगे, ठीक है, इस बार का। ओके चलो, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय।